हेलो जी, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है गाइज देवप्री सिस्टर्स में। तो कीजिए अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ में। और भैया टाइम हो रहे सुबह के 9 बज रहे। तो जी बच्चे भी अपने स्कूल चले गए थे और बच्चों के डैडी अपने ऑफिस चले गए। और भैया हमारा खाने का काम आज सुबह ही खत्म हो गया क्योंकि आज मुझे करनी अपने किचन की सफाई। तो देखे मैंने सामान हटाना शुरू कर दिया अपने किचन में से। और भैया ये मैट वगैरह धुलनी सारी, ये टाइल वगैरह सब बढ़िया तरीके से धुलनी, तो सारी सफाई करनी। तो इसलिए हमने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। खाने का काम हमने सुबह निपटा लिया था क्योंकि फिर साफ सफाई में इतना टाइम लग जाता तो खाने बनने में फिर लेट हो जाते। तो गाइज अब करेंगे साफ सफाई और भैया अभी से फटाफट से लग जाते हैं क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल के आने से पहले पहले निपटाना भी होता है सारा काम। तो गाइज देखिए मंडी में से भी थोड़ी सी सब्जी आ गई जी। आलू प्याज तो हमने बैठा दिए उनके रैक में। और भैया ये टमाटर, टमाटर हो रहे बड़े महंगे, 100 रुपए किलो चल रहे टमाटर। आज 60 आए। अच्छा, मंगलोर से 100 आए थे तो मंडी में से आए भैया 60 रुपए किलो, तो मंडी में ठीक रेट मिल जा। और ये गोभी आई और जी ये थोड़े से बैंगन और थोड़ा सा अदरक। तो गाइज और कुछ ये हरी मिर्चा देखे कितनी बढ़िया आई आज। तो गाइज ये थोड़ी सब्जी आई मंडी में से। आलू प्याज जा चुके अपने रैक में और अब लगेंगे जी अपने काम में, किचन की साफ सफाई में। देखिए हमने अपना यहाँ से सारा सामान हटाना स्टार्ट कर दिया, सारी स्लिप खाली कर दिया। हालांकि मुझे बॉर्डर लग रहा था इस पे सामान हटाते हुए कि कहीं छिपकली ना हो, भैया छिपकली से बॉर्डर लगता है। देखिए हमने अपनी स्लिप वगैरह सभी साफ कर ली भैया। और आज तो हमारे साथ हुई एक काफी बड़ी ट्रेजेडी गाइज। आज सुबह से ही लाइट 6:30 की लाइट गई हुई है और बच्चे जब तक स्कूल नहीं गए थे उनके स्कूल जाने से पहले ही लाइट चली गई थी। और गाइज लाइट बोल रहे कि शाम तक आएगी। और फ्रेंड्स हमारा टैंकर हो चुका है खाली, को भी सुबह को भरते हैं ताजा ताजा पानी, रात को नहीं भरते। तो भैया आज लाइट भी शाम तक आएगी और हमारा पानी भी खत्म हो गया जी। तो भैया और हमने अपना किचन का सामान भी बाहर निकाल लिया, वैसे कुछ डब्बे साफ हो गए, बस थोड़ा ही काम रह रहा था। तो बस ये अब देखेंगे कैसे होगा। और तो नहाने वाने का भी काम रुक गया है, लेकिन एक सुख रह गया हमारा खाना सुबह ही बन गया था। आज देखे टाइल तो हमने अपनी चकाचक चमका दी, हमारी टाइलें तो बढ़िया चमक गई चकाचक। और भैया अब सामान सारा बाहर है, बाहर भी हमने डब्बे धुल धुल के लगा दिए। चलिए जी वो भी दिखाते हैं आपको एक बार। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने अपने डब्बे धुल के लगा दिए और सामान भी डाल दिया उनमें क्योंकि सूख गए थे, धूप काफ़ी तेज हो रही। और भैया अभी बाकी का और ऊपर का थोड़ा सा काम रहेगा। पानी हमारा हो गया जी ख़त्म क्योंकि लाइट सुबह की गई हुई, पता नहीं किस टाइम तक आएगी। अभी तो नहाना धोना भी सब रुक गया। तो गाइस देखिए अब हमारी लाइट आ चुकी है। तो जी अब सबसे पहले फटाफट से मैट धुल देते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं कभी फिर से लाइट चली जाए। तो गाइस देखिए अब हमारा काम खत्म हुआ जी और अब खाएंगे हम खाना। और हमने आज खाने में बनाए थे कड़ी पकौड़ा और भैया और थोड़ा सा पनीर। सुबह बच्चे ले गए थे लंच में। तो जी हमारा खाना और बच्चे भी हमारे आ चुके हैं स्कूल से, तब तक हमारा काम खत्म हुआ। और भैया आज तो ऐसा हो गया था लाइट भी ख़राब हो गई थी, लाइट भी काफ़ी लेट आई तो जी सारा काम रुक गया था, इसलिए हमारा काम भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अब हमारा नाना दोना सब काम खत्म हो चुका जी। अब थोड़ी देर में हमारा सामान सूख जाएगा, वो फिर से किचन में लगाएंगे। जो बाहर निकाला था हमने सारे सामान अपने धुल के धूप में लगा रखे सूखने के लिए। तो जी तब तक खा लेते हैं खाना और बच्चों को भी खिला रहे हैं खाना। तो गाइस देखिए ये हमारा कड़ी पकोड़ा और ये पनीर की सब्जी, एक हरी मिर्चा और उधर हमारी देवश्री रानी भी खा रही खाना। तो गाइस देखिए हमारी मैट सूख चुकी है और अब डाल देंगे इनको स्लेट पर और भैया फिर लगाएंगे अपना किचन का सामान। देखे भी हमारा किचन पूरा खाली खाली हुआ पड़ा है, काफ़ी बड़ा सा भी लग रहा है, सामान बाहर निकल गया और आवाज़ भी गूंज रही आज तो किचन में। तो जी अब बच्चों को तो मैंने ट्यूशन भेज दिया है, अब लगूंगी फिर से अपने किचन के काम में। तो भाई देखिए मैंने स्लीपर ये डाल दिया है मैट और भैया चारों तरफ डाल दी। देखिए जी अभी कुछ सामान मैंने अपना बाहर से ला कर रख दिया
और भैया कुछ अभी मेरा बाहर है तो जी मुझे अभी करीब करीब 1-1.5 घंटा इसमें पूरे किचन को संगवाने में लग जाएगा। तो गाइस देखिए मैंने सारी मैट डाल दी अपनी स्लेब की और भैया अब बाहर से सामान लाऊंगी। साफ तो हमने सुबह कर लिया था, देखिए कुछ सामान मैंने रख दिया और कुछ अभी बाहर ही खुला हुआ है हमारा सामान। तो ये देखिए अब एक सामान लेके जाऊंगी और अभी कुछ थोड़ा सा सामान मेरा इधर भी रखा चारों तरफ, आज हमारा सामान फैला पड़ा गाइस किचन का। तो गाइस देखिए डब्बे धुल के ना मैंने इनके ऊपर ये बैग लगा दी जो आते हैं बाबा रामदेव जी के पतंजलि से, जब कुछ हमारे यहाँ पर ऑफिस में से कोई सामान लाते हैं तो उसमें आते हैं ये छोटे छोटे बैग। तो मैंने ये इसलिए लगा दी क्योंकि जब सब्जी वगैरह छोंकते हैं ना तो भैया छोंक ऊपर तक जाता है वो धुआं सा, उससे सारे डब्बों पे बैठ जा तो ये बड़े डब्बे होंगे रोज़ रोज़ तो धुले नहीं जाते, तो इसलिए ये कवर कर दे फिर ये ही गंदे होंगे बाकी ढक्कन इनके नीचे सही रहेंगे। तो गाइस देखिए मैंने ऐसे ढक्कन के साथ में लगा के इनको बंद कर दिया तो ये इससे बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रखे रहेंगे। तो गाइस देखिए हमने अपना किचन में सामान लगा दिया, बस थोड़ा बहुत रह रहा वो थोड़ा सा बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी मम्मी जी नीचे जाऊंगी तो इनसे मुझे खाने का भी कुछ पूछना था और एक दो हमारा सामान भी आया था तो मैंने सोचा कि वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि फिर मम्मी जी नीचे चली जाएंगी। वैसे तो हमारी गाय माता अब दूध कम ही दे, सिर्फ एक ही टाइम दे रही, सुबह को नहीं निकालते शाम को निकाले तो जो भी देती है इस टाइम निकाल लेते हैं। तो मम्मी जी खाऊंगी, पहले तो खाने का बताती जाओ मुझे क्या बनना है। खाना बनाना दाल काली, हाँ काली का ही है सब खा लेंगे, अगर मूंग मछली की बना ली तो चलो कल दाल ही बना लूँगी। और आज मम्मी जी ने सूट भी काला काला पहना तो दाल भी काली खाएंगी, काली दाल खाई जाएगी। हाँ फिर पीली दाल अच्छा। तो जी चलिए दिखाते हैं आपको, मम्मी जी कुछ दिखाना चाह रही है आपको अपनी पप्पी का सामान तो दिखाएंगे गाइस आपको। तो जी देखिए ये प्रीत का कुर्ता आया गाइस, एक पहले भी आया था वो थोड़ा छोटा रह गया था, तो जी ये चिकन का मंगवाया गाइस, देखिए कितना प्यारा लग रहा चिकन का कुर्ता। फंक्शन है इसके स्कूल में 22 तारीख में, तो उसमें चाहिएगा इसको वाइट कुर्ता और रेड दुपट्टा इस पर। तो जी दुपट्टा तो मेरा ही काम आ गया, रेड नेट का दुपट्टा रखा था मेरे पास में और ब्लैक जीन्स इस पर, रेड वाइट ब्लैक तीन कलर चलेंगे। नहीं तिरंगा का तिरंगा तो बनने का नहीं, पर हाँ कलर तीन है। तो भाई देखिए कितना अच्छा लग रहा चिकन का, फिर बाद में वैसे वो थोड़ा टाइट आ गया था और मुझे उसका कपड़ा भी इतना अच्छा लग रहा था। जब दूसरी ड्रेस भी देखिए गई आई क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा, अब 26 अक्टूबर का पेज का होता है गाइस बर्थडे, तो पता नहीं क्या क्या पसंद है, ये ज़बरदस्ती पसंद करके मंगवाया उसने ब्लैक कलर का सूट, ऐसा अच्छा लग रहा पर मम्मी जी को बढ़िया नहीं लग रहा ब्लैक कलर अच्छा लगता नहीं यार, खुद पहनो ब्लैक कलर और दाल भी काली ही खाओ, दाल भी ब्लैक ही कलर में चले। अच्छा चलो जब उसे अच्छा लगा। हाँ तो गाइस ये इसका नीचे प्लाजो, वैसे तो लाइनिंग लग रही प्लाजो में तो इसमें। तो गाइस देखिए ये प्रीत ने प्लाजो मंगवाया और ये सूट और ये इसका दुपट्टा। तो जी अब सूट सलवार पहनने का शौक चढ़ रहा, देखिए दुपट्टा सूट सलवार पहनने का शौक चढ़ रहा, जींस पहनना पसंद नहीं करती बस उसके हिसाब से तो सही है, भारी दुपट्टा संभलने का भी नहीं, गले में तो इतना ही ठीक है नहीं तो फिर कहीं खोया अभी जा इनका। तो गाइस देखिए हमने बर्थडे के लिए प्रीत ने मंगवा लिया ब्लैक सूट, तो जी जब पहनने की दिखाएंगे आपको गाइस, जिस दिन प्रीत का बर्थडे ना उस दिन देवसी का फंक्शन है। तो गाइस देखिए आज हमने की अपने किचन की सफाई और भैया सफाई क्या कर लिया, आज तो सुबह तो एक बार ऐसा हो गया था कि गलत काम गलत छेड़ लिया आज तो लाइट नहीं आई, सारा सामान तो निकाल लिया बाहर और पानी भी हमारा खत्म।
और कुछ भैया डरा के 6 बजे अभी आज तो लाइट डराना था आज गई थी लाइट 6 बजे से पहले लाइट गया नहीं थी 12 बजे आ गई फिर लाइट हाथ पांव से वो हो गए थे नर्वस से हो गए थे मगर तो बहुत गलत काम हुआ और पानी भी आज ही खत्म होना था दो टैंकर में भी देख लो दो टैंकर में भी खत्म हो गया था दो क्या एक नीचे धरा तीन तो गाइस आज हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी देख लो मुश्किल से हमने अपनी साफ सफाई का काम निपटाया पर किचन का सबसे बड़ा काम रहा साफ करने का और चीजें तो हो ही जहाँ जल्दी जल्दी देख लो पूरा दिन लग गया आज इसे साफ करने में हाँ वो तो धीरे धीरे पहले से ही लग रहे थे थोड़ा थोड़ा धुलने में साफ करने में तो गाइस देखिए ये मेरे फ्रिज के ऊपर का कवर है भैया ये इसमें पॉकेट है तो जी वो मेरा पहले वाला थोड़ा उसकी ये पॉकेट खराब हो गई थी सिली भी थी लेकिन वो अब खराब हो गया था तो जी मैंने ये अपने फ्रिज का कवर मंगवाया है भैया ऑनलाइन और मोर तो देखेगा ही जैसा लग रहा है जैसे सच में आ गया वो हमारे घर में तो जी ये फ्रिज के ऊपर का कवर अभी कलर बढ़िया नहीं आ रहा गाइस बिल्कुल एकदम मोर पंखी कलर है डार्क और इसके साथ में एक एप्रन आया फ्री ये देखिए जी ये एप्रन आया इसके साथ में फ्री जो मुझे खाना बनाने में और भैया बर्तन साफ करने में आने वाला है मेरे बहुत काम तो गाइस देखिए मैंने अपने फ्रिज पे डाल लिया कवर और भैया कितना प्यारा लग रहा ये छोटे छोटे मोर मोरनी और एक बड़ी मोरनी तो भैया इसके ऊपर है ये तो वैसे दिखाई नहीं देंगे लेकिन जी कोई नहीं बहुत प्यारा लग रहा हमारा मोर तो गाइस देखिए अब फाइनली हमारा सारा सामान किचन में लग चुका है जी मेरा पूरा किचन अब जाके सेट हुआ भैया आज का मेरा पूरा दिन किचन में ही चला गया तो गाइस लेकिन ये सबसे जरूरी काम था भैया सबसे बड़ा काम था क्योंकि ये मुझे अकेले को करना था वैसे मम्मी जी ने सुबह हेल्प कराई भैया सारा उतारना लगाना हाँ क्या हुआ तो गाइस देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे भैया ये तो मेरा ही सामान रखा किचन में आज क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ी और ये मैंने न्यू कवर बिछा दिया अपने फ्रिज पे और जी ये हमारी चेयर है जिसपे जब हमारे पांव थक जाते हैं तो हम बैठकर खाना बनाते हैं हाँ जी बोलो आज मैं ट्यूशन की कॉफी में गुड़ मिला वेरी गुड जाओ तो भाई जी ये हमारी चेयर है जिसपे बैठ कर हम खाना बनाते हैं जो हमारी बहुत हेल्प करती है और भैया ये है हमारी मम्मी जी की शादी की चेयर और ये मेरा छुटकू फैन देखिए जो हमें गर्मी से बचाता है और भैया पहले हमारी मिक्सी यहाँ पे रखी रहती थी जो आज मैंने शिफ्ट कर दी उधर तो देखिए क्योंकि अभी मुझे मिक्सी की जरूरत कम पड़ रही क्योंकि जब से मैंने ये लिया ना चॉपर तो तब से मुझे मिक्सी की जरूरत कम पड़ रही मसाला पीसने में और तो भाई देखिए कैसे आज तो बढ़िया चकाचक चमक रहा हमारा किचन तो ये जगह क्योंकि अब सर्दियों में तो ज़्यादातर किचन में ही बैठ कर खाना खाते हैं हमारे यहाँ पे तो इसलिए मैंने आज ये यहाँ से खाली कर दिया सामान हटा दिया तो देखिए जी हमारे डब्बे वगैरह भी आज तो सब कैसे चकाचक चमक रहे और कुछ डब्बे मैंने हटा भी दिए लेकिन फिर भी देखो कितने हो जाएगा ये कम करने में भी और जरूरत की रखे बाकी मैंने यहाँ से हटा दिए लेकिन थोड़े दिनों में देखिए सब यहीं पर आ लेंगे अभी फिलहाल यहाँ से हटाए लेकिन थोड़े दिनों में धीरे धीरे करते करते सब यहीं पर भागे आवेंगे एक नहीं रुकने का जहाँ बिठाए सारे इस स्लैब को फिर से भर जाएंगे क्योंकि भैया दिवाली भी आने लग रही तो फिर मिठाई वगैरह आती है और गिफ्ट वगैरह तो ये जगह मैंने खाली कर दी अभी सही मिठाई के लिए तो जी आज मैंने अपनी मिक्सी को यहाँ पर बैठा दिया नई जगह दे दी मैंने इसे अपनी मिक्सी को और ये हमारी मक्खन निकालने वाली मशीन भैया दूध भिगोने वाली जिसे रई बोलते हैं गांव में तो और ये हमारा आरओ और भैया ये हमारी सिंक इसमें बर्तन अभी थोड़े से चाय वाय के ये साफ करने हैं मुझे और गाई जी बाकी तो आपने देख लिया सब सामान ये हमारे ऑयल डिस्पेंसर भी मैंने ये तो यहीं पर ही रहते हैं परमानेंट ऑयल डिस्पेंसर और ये हमारे चाकू छुरे कंटे वंटे कपों का हमारा रैक तो भैया ये सब सामान हमने अपने ये डब्बे वगैरह सब कवर करके रखी दिए थे मैंने वो आपको दिखाए थे पहले ही तो जी देखिए कितना बड़ा लग रहा आज मेरा किचन चाहे एक बेड डाल लो किचन में आज तो गाइस आज तो हमारा किचन काफ़ी बड़ा हो गया भैया इधर है हमारा रैक बर्तन वाला यहाँ पे हमारी साबुन वगैरह रखी रहती है और ये हमारा डस्टबिन रखा रहता है छोटा सा छोटा नहीं है वैसे ये घर में सबसे बड़ा डस्टबिन है गाइस लेकिन किचन में चाहिए होता है बड़ा ही तो जी ये हमारा
यहाँ पे रैक और नए कवर से हमारा आज फ्रिज भी नया सही हो गया। तो गाइस देखिए आज हमारा किचन होगा कितना बड़ा। और जी अब खाना भी बना लेते हैं। काली दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी, देखिए अच्छी आ रही काली दाल में। तो गाइस देखिए बच्चे हो रहे हैं जी बहुत खुश क्योंकि बच्चों का है कहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया, पिकनिक। तो गाइस बच्चों का पिकनिक जाने का प्रोग्राम बन गया और भैया उसके लिए दोनों बहनों ने पैसे इकट्ठे कर लिए। देखिए इसमें अपने पैसे वगैरह रख लिए जो कल इन्हें जमा करने डायरी दे दे उसकी वो गुस्सा कर रही। तो इसमें डायरी है और इनका होम वगैरह जो बढ़ना था भैया उसके साइन वगैरह होने थे हमारे तो उसके साइन वगैरह कर दिए और फीस भी है। तो इसलिए ये देवशी मांग रही थी मैं दूंगी मैम को फीस लेकिन फ्री छोड़ नहीं रही है, उसे ही दे दो वही दे देगी ना। कौन होती है वो? तो गाइस ये दोनों हो रही बहुत खुश। इसका टूर जाएगा देहरादून और भैया उसका जाएगा क्रिस्टल वर्ल्ड में देवशी का। तो दोनों बहनें हो रही काफ़ी एक्साइटेड लेकिन वो नवंबर में जाएगा अभी नहीं जाएगा। तो भैया तैयारी पूरी कर ली और पैसे वगैरह इकट्ठे कर लिए। चलो हैं मुझे भी लेकर चलेगी क्या? देहरादून तो आप घूम के आ चुकी हो, आप भी तो आ चुके हो देहरादून घूम के, तो आप तो अपनी फ्रेंड के साथ जा नहीं सकते। मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ जाऊंगी ना। तो मेरे फ्रेंड्स आप ही बन जाइए। नो।